हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट ईयर क्रिसमस सेलिब्रेशन करने से पहले हमने कुछ तैयारियां की और इन तैयारियों में सबसे पहला काम था साफ सफाई का। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो स्वच्छता अभियान आप देख रहे हैं इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, ये बच्चे छोटे जरूर होते हैं लेकिन इन्हें पता है कि इन्हें कैसे खुश रहना है। ये कैसे भी खेलने के लिए अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं और खुश रहते हैं। हम बड़ों को भी इनसे इंस्पायर होना चाहिए और खुश रहना चाहिए। Wiping. Come on, do fast. Wipe properly. Up and down, up and down. Is it clean, Diana? Is it clean? Yeah. Is it clean? Corner. Clean up. Clean up till the corner. This whole side. Come. Clean it up. Okay. Okay. Do it. Properly. In the corners. Here. साफ सफाई तो हो गई, अब चलिए करते हैं पैकिंग उन स्नैक्स की जो हमने क्रिसमस के लिए बनवाए थे। ये केक है जो स्पेशली क्रिसमस के लिए बेक किया जाता है और हम ये केक बाहर से बेक करवाते हैं और इसे हमने मिडनाइट यानी 24 तारीख के 12 बजे मिडनाइट को हमने प्रेयर करके केक कटिंग किया और बहुत इन्जॉय किया। केक कटिंग करा, देन केक कटिंग करने के बाद केक पीसेस की पैकिंग भी करी उन लोगों के लिए जिन्हें हमें ये केक देना था और स्पेशली हमारे बेटी के ग्रैंड पेरेंट्स जिनके साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर पाए उनको भी हमें ये कुरियर करना था, सेंड करना था, इसलिए उनके लिए भी हमने स्पेशली पैकिंग की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये केक बेक्ड है और स्पेशल तरीके से बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी था ये केक। बहुत लेट हो गया है ये वीडियो अपलोड करना, मैं नहीं कर पाई बहुत से रीजंस की वजह से, लेकिन अब क्योंकि मैंने ये वीडियो अपलोड करा है क्रिसमस सेलिब्रेशन का तो उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो कुछ इस तरीके से हमने केक की पैकिंग की और केक के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें थी जो अभी हम एक एक करके देखेंगे। इस तरीके से हमने पैकिंग करके बैग्स में रख दिया और जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ आप ये देखिए कितनी मस्ती की जा रही है और इनकी अपनी एक अलग दुनिया है, इनका अपना ही कुछ गेम चल रहा है जो हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, हो सकता है शायद आपको समझ में आए। और इसके अलावा जो और स्नैक्स थे वो भी काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे कॉमनली गुजिया, नमक पारे, मीठे पारे और बाजरे की टिकिया, ये ऐसे स्नैक्स होते हैं जो साल में हम एक बार क्रिसमस पे ही लेते हैं और ये स्पेशली तभी बनते भी हैं और सभी क्रिसमस जो सेलिब्रेट करते हैं उनके घरों में कॉमनली स्नैक्स आपको देखने को मिलेंगे। भले ही टेस्ट अलग हो लेकिन ये सारे जो स्नैक्स हैं वो कॉमन हैं, तो काफ़ी टेस्टी स्नैक्स थे ये और इस तरीके से हमने पैकिंग की है इसे कुरियर करने के लिए और हमारी बेटी ने भी बहुत हेल्प कराई पैकिंग करने में और बस आपको हम यही बताने जा रहे हैं कि उसने कैसे पैकिंग करी, ध्यान से देखिएगा। इन सभी स्नैक्स को पैक करके डिलीवर करने के लिए हमने गिफ्ट बॉक्स सेलेक्ट किया और उस गिफ्ट बॉक्स में बहुत ही अच्छे से इन बॉक्सेस को हमने प्रॉपर्ली अरेंज किया
और हमने अपनी बेटी को पहले ही समझा दिया था कि ये जो पैकिंग हो रही है ये उसके ग्रैंड पेरेंट्स के लिए पैकिंग की जा रही है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसने बहुत अच्छे से पैकिंग की। जैसा कि आप देख सकते हैं, कभी बॉक्सेस गिर गए उसके हाथ से या कभी उसने प्रॉपरली अरेंज किए, जो भी किया बहुत इंजॉय किया। नेक्स्ट डे हमने मॉर्निंग में सबसे पहले तो प्रेयर की, और प्रेयर करने के बाद ब्रेकफास्ट में हमने इन्हीं सभी स्नैक्स को इंजॉय किया, टेस्ट किया, और बहुत ही ज़्यादा स्नैक्स टेस्टी लगे, डिलीशियस थे। और क्योंकि साल में हम एक ही बार ये स्नैक्स खाते हैं तो इट्स नेचुरल कि हमें वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो सुबह की शुरुआत हमने क्रिसमस की प्रेयर से की, और प्रेयर करने के बाद फिर हमने सोचा कि अब हम थोड़ा सा बाहर आउटिंग कर लेते हैं। Merry Christmas to everyone. Snowball bounce.